हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर आदेश जारी हो चुका है और क्या क्या शर्तें लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कल देर रात को ये जो ट्रांसफ़र आदेश है, जिसका जो जियो है कह सकते हैं बेसिकली, जिसमें सारी डिटेल चीज़ें मेंशन है, वो कल देर शाम लगभग 10:40 के आसपास जारी किया गया। और देर शाम क्या, देर रात ही कहेंगे इसको। तो इसमें शर्त कई ढेर सारी मेंशन की गई है, क्या क्या शर्तें हैं डिटेल में पूरा हम लोग देखेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये आदेश दीपक कुमार जी के द्वारा, जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन में महानिदेशक, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली बात रखी गई है कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण, जी हाँ, जिले के अंदर जिले के भीतर ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफ़र की बात की गई है। और यहाँ सबसे बेसिकली जो मैं पहले से ही बात कहता आ रहा था, समायोजन वाली बात, यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर समायोजन वाली बात भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो भी जानकारी दी गई है वो स्पष्टता सही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कई लोग पूछ रहे थे कि सर जुलाई का फर्स्ट वीक में ये सारी चीज़ें आने वाली थी। देखिए, क्रियाकलाप आपको जुलाई फर्स्ट वीक में ही देखने को मिला था, ये आप जानते हैं। लेकिन ये आदेश को, क्योंकि अभी कैशलेस चिकित्सा की भी आपने बात देखी है होगी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें फोकस की गई हैं कैशलेस चिकित्सा को लेकर, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप देख रहे हैं, समायोजन के संबंध में है। अब इसमें कई ढेर सारी चीज़ें कही गई हैं और ये जो मेन इसमें अध्यक्ष वगैरह जो टीम बनाई जाएगी कह सकते हैं, वो जनपद स्तर पर जो समिति गठित की जाएगी उसमें ये पांच लोग प्रमुखता से आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आपको मैं बात करूँगा, सबसे पहली शर्त है कि स्थानांतरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। यानी कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड में आपका विद्यालय है और शहरी क्षेत्र में आपका विद्यालय है, तो आपका गांव से गांव में ही होगा और शहर से शहर में ही आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र कह लीजिए, समायोजन कह लीजिए, उतने में ही होगा। यानी कि आप गांव में आपका विद्यालय और आप चाह रहे हैं कि शहर में आपको मिल जाए, तो ये नहीं होगा। आप शहर में हैं तो आप शहर से जा सकते हैं। पहले ये होता था कि शहर वाले अगर प्रिफर करते हैं गांव की तरफ आना तो उनको वरीयता दे दी जाती, तो उनको पहले ही कि भाई शहर का जो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है उसको त्याग कर वो ग्रामीण आंचल में आना चाहता है तो उसको पहली वरीयता दी जाती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत जो 1:30 का जो एक चल रहा था 1:30, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात जो की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं उसी को लागू किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप कि आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय इस मानक के आधार पर, RTE 2009 के मानक के आधार पर, यानी 1:30 वाला जो रेशियो है, दिनांक 30 अप्रैल 2022 को, जो भी 30 अप्रैल 2022 को छात्र संख्या थी उसके आधार पर ही अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक और ऐसे विद्यालय जहां दो से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क एवं RTE के मानक के अनुसार रिक्तियां हैं वहां पे, तो वहां पर प्रायोरिटी रखी जाएगी, पहली वहां पर पहले अध्यापकों को भरा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां पर सरप्लस शिक्षक होंगे, किस आधार पर, 1:30 के आधार पर, कब तक के डाटा के हिसाब से, 30 अप्रैल 2022 के डाटा के हिसाब से, अगर यहां पर 1:30 रेशियो से ज़्यादा हैं, जब मान लीजिए कहीं पर 140 बच्चे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर 6 शिक्षक हैं तो 6×30 कर दीजिए, यानी कि 6×3=18, 180 हो गए, 180 होने चाहिए, तो 180 नहीं हैं, 140 ही हैं, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन देखा जाएगा और लगभग एक शिक्षक को यहाँ से समायोजित किया जाएगा या उसका स्थानांतरण किया जाएगा जिले के अंतर्गत। इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि सरप्लस शिक्षक और डेफिसिट शिक्षक, यानी शिक्षकों की जहाँ कमी है, सरप्लस यानी कि जहाँ पर अधिकता है, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, और उसी के आधार पर ट्रांसफ़र और प्रमोशन भी इसी आधार पर तय किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है मानक रखे गए हैं इसमें वरीयता के आधार पर,
सेवा, प्रत्येक सेवा वर्ष में एक अंक आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 साल की सेवा के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप में कोई अध्यापक अध्यापिका हैं और आपके पति या पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उनको 15 अंक वरीयता दी जाएगी। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका हैं और तो उनको 10 अंक दिए जाएगा। शिक्षक शिक्षक जिनके पति पत्नी सरकारी सेवा में या बेसिक शिक्षा परिषद के ही विद्यालय प्राइमरी में ही अगर शिक्षक शिक्षिका हैं तो उनको भी वरीयता दी जाएगी। ऐसा कुछ एक मानक जो पहले आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ इसके पहले। तो अंतर जनपदीय समायोजन में, हिंद जिले के भीतर समायोजन में क्या क्या प्रक्रिया चलेगी, वहीं सरप्लस सबसे इम्पोर्टेंट से रखा जाएगा और समायोजन उसी आधार पर। डेफिसिट शिक्षक जहाँ पे हैं, जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, अध्यापक संख्या 30 अप्रैल 2022 के आधार पर ज़्यादा है, वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा या समायोजन देखने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसी पर ही हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप इसको देख लीजिएगा, जो 69,000 भर्ती से संबंधित अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके ही प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं शुरू से। अध्यापक अध्यापिका जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 वर्ष से कम या अवशेष होगी कम होगी तो उन्हें भी समायोजन प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अलग दिया जाएगा, हालांकि आपसे अप्लाई करा लिया जाएगा और जो वरीयता में होंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में होंगे, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा। दूसरा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया के संबंध में 10 कार्य दिवस में NIC के माध्यम से पोर्टल खोला जाएगा, यानी 10 दिन का यहाँ पर फिर से समय मांगा गया है। तो देखते हैं कि कब इसके लिए आगे क्रियाकलाप होता है। हालांकि ये एक अच्छी खबर है कि आपका जो बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे वो वेट अब यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न आप जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।